और इसी बीच हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आज अयोध्या वासियों को सौगात मिली है अयोध्या धाम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में उद्घाटन करने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप राज्यवासियों के लिए और देशवासियों के लिए? रामलला अपने जन्म स्थान पर 550 साल के बाद विराजमान होने वाले हैं। आज उनकी आगवानी के लिए कि 22 जनवरी को विराजमान होंगे, आज स्वयं देश के सबसे प्रमुख पद के अधिष्ठाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज स्वयं उन्होंने पूरे उनकी आने की व्यवस्था के लिए नगर भ्रमण किया है। जैसे जब लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या पहुंचने वाले थे जी। तो उनके अनुज भरत जी ने, भरत लाल ने पूरे नगर का भ्रमण किया था अयोध्या का, कि कहीं कोई ऐसी जगह ना हो जिससे श्री राम को कष्ट पहुंचे। मैं समझता हूं कि आज अनुजवर यह आज एक भक्त के रूप में मोदी जी ने पूरी अयोध्या का भ्रमण न केवल किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय रेल का रेलवे स्टेशन और तमाम तोहफे देख के वो जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि योगी जी और मोदी जी का एक युग युगांतर तक उनका ये समन्वय, ये कार्य अयोध्या के लिए बहुत अरसे तक याद किया जाएगा। धार्मिक परिपेक्ष में हम लोग केवल एक पक्ष ही देखते हैं कि धार्मिक पक्ष परिपेक्ष में कि हम रामलला का दर्शन करेंगे, अन्य मंदिरों का दर्शन करेंगे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं है कि आर्थिक समृद्धि के लिए ये एक एक इंजन बनेगा। आर्थिक समृद्धि का इंजन के रूप में अयोध्या देखा जाएगा। जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के होटल्स होंगे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साधन संसाधन होंगे, धार्मिक पर्यटन के स्थल होंगे, चारों तरफ से 3-3 लाख लोग एक एक दिन में जब आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक धमनी केंद्र बन के आर्थिक समृद्धि का ये अयोध्या उठेगा और उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कारक बनके ये अयोध्या, मथुरा और काशी हमारे सामने आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से कायाकल्प पूरी तरह से अयोध्या का नजर आ रहा है, खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं और 22 जनवरी को जो तस्वीर आ सकती है उसकी वानगी आज दिखाई दे रही है, क्या कुछ खास खास बदलाव किए गए हैं सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर, क्या कुछ विशेष इंतजाम अयोध्या में बदले गए हैं जिसकी वजह से अयोध्या बदली नजर आ रही है? देखिए, अयोध्या में अगर आप देखो तो चारों तरफ एनएच रोड बनाई गई है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं, ठहरने से लेकर आने तक की बहुत बड़े स्तर पर एक ऑटोमेटिक वाईफाई जोन से लेकर सारी सुविधाएं उसमें दी गई है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली ट्रेनों का, तो आने वाली जहाजों का पूरे देश से कनेक्टिविटी की गई है जी। और इनके साथ साथ अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का निर्णय है। और अगर हम देखें तो चारों तरफ रेस्टोरेंट, उनके ठहरने की जो होटल्स हैं और बहुत सारे घरों में भी लोग ठहरेंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यानी आर्थिक समृद्धि में जो भी अयोध्या जन है वो अपने को धन धान्य से परिपूर्ण पाएंगे जी। जहां वहां पर राम जी की आरती का प्रावधान सरयू तट पे किया गया है, वही विभिन्न प्रकार का जलाभिषेक की भी व्यवस्था है। वहां पर अयोध्या में बजरंगबली श्री हनुमान का जहां दर्शन लाभ के बाद विशेष प्रकार का पाठ का आयोजन है, वही कनक भवन को भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। जो प्राचीन मंदिर है उनका तारतम्य नवीन मंदिरों के साथ में जुड़ा गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन हो चुका है और कुछ ही देर में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होगा, श्रद्धालुओं के लिए और खासतौर से इंटरनेशनल तौर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कितना सफर आसान हो गया है, क्या कुछ अब सुविधा वहां पर मिलेगी लोगों को? देखिए, अयोध्या जिन्होंने अगर 8-10 साल पहले अयोध्या देखी होगी और आज देखेंगे, इतना बड़ा तीर्थाटन स्थल होने के बाद भी लोगों ने अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो भी ध्यान दिया था, कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय ध्यान दिया गया, लेकिन एक अल्पकाल था उनका और वो भी आंदोलन में बीत गया जी। लेकिन किसी ने अयोध्या की तरफ ताका तक नहीं था। गंदी गंदी गलियां, बज बजाती हुई नालियां
और घोर अतिक्रमण का शहर, कभी लाइट आ जाए तो खबर बनती थी, नीचे बिजली के लटकते हुए तार और जर्जर अवस्था के मंदिर, ये जो इसकी परिभाषा थी, लोग अयोध्या के बारे में जो सोचते थे तो एक व्यंग्य करते थे कैसे रामलला है जिनके बारे में, जिनकी अयोध्या नगरी आज वीरान पड़ी हुई है जी। आज उस वीरान पड़ी अयोध्या नगरी को आबाद करने का काम योगी जी और मोदी जी ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि 22 जनवरी देश के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और ये एक भूमिका के तौर पर आज नगर भ्रमण का काम माननीय मोदी जी ने किया है जी। इसके अलावा दिनेश जी, जिस तरह से 22 जनवरी को इनके निमंत्रण को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, कुछ लोग निमंत्रण के बाद आने को तैयार नहीं है और तमाम तरह की राजनीति हो रही है, उस पर विपक्षी पार्टियों को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता कि राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय आप कितना जानती हैं उसमें जी, लेकिन मैं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था जी, उसकी विभिन्न प्रकार की नीतियों को बनाने का दायित्व भी मेरे पास में था। जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा के गिरा गिरा के कारसेवकों को लहू लुहान किया गया था जी, जिस प्रकार से कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिस प्रकार से पूरी जेलें भर गई थी और जो भरने जो बंद करने वाले लोग थे, घर के माता और बहनों तक को जेलों में ठूस दिया गया था, ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस के लोग तो थे ना, समाजवादी पार्टी के लोग थे, क्या इन्होंने किसी निमंत्रण के का इंतजार किया था? जबकि कोई निमंत्रण आएगा तो हम ऐसा करेंगे, बगैर निमंत्रण की भी किया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया उसके बाद कोई झांकने नहीं गया वहां पर, दर्शन करने आज तक का नाम ना सोनिया जी है, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी, ना अखिलेश जी, ना मुलायम सिंह जी, ना लालू यादव, ना तेजस्वी, कोई भी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक भारत की परिपाटी का वो दर्श रहा है जिसपे लोगों ने अवहेलना की। लोग अयोध्या जाते थे तो बचते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास उनका कार्यक्रम ना हो जी, बात भी राम जी का नाम लेने थे। आज ने मिला जो अस्तित्व नहीं है, कल्प है, राम जन्म मंदिर पार्टी नहीं है, आयोजन करता है, आयोजन करता जो है उसी राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट है और इसमें एक एक व्यक्ति को आज जो लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं जी, तो एक सार्वजनिक निमंत्रण के नाते आ रहे हैं, सभी को अलग अलग दिनों पे एक साथ नहीं हमें 22 जनवरी को क्योंकि भीड़ हो जाएगी, इसलिए अलग अलग दिनों में लोग आवे, ऐसा आह्वान तो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने किया ही है, अगर उनको आना है। ठीक है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भावना से आए जी बिल्कुल, आपके क्षमा याचना जरूर करें कि हमने जो क्रिया कर्म किया है, जो हमारे कर्म रहे हैं राम भक्तों के प्रति, उनके हम क्षमा चाहते हैं। ये जरूर एक शब्द राम जी के सामने कहे तो अच्छा लगेगा, एक अच्छी प्रतिक्रिया पड़ेगी। ठीक है दिनेश जी, 22 जनवरी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।